परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। शेर, 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 सभापति महोदय, शेर, शेर, सभापति महोदय, विपक्ष के नेता जी ने कहा, विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। मान्य सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को इस चुनी पर जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से किसी कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर 1947 को और धारा 370 1949 में आई जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल तक। ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने दिया। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक तरीका है तो वाद विवाद करे, शोर शराबा न करे। संविधान की जिस धारा को वो कहना चाहता है इसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थाई माना गया। क्यों अस्थाई माना गया? अस्थाई इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर चर्चा करिए। देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही। देश जानना चाहता है इतने समय कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ। देश जानना चाहता है कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कश्मीर के ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कोटी से के तहत कश्मीर की माताओं बहनों को अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है सभापति महोदय, सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अंदर गया, फिर भी कश्मीर का लोग आज गरीब क्यों है वो देश जानना चाहता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं विपक्ष के सभी सभासदों को, कृपया चर्चा करिए। आप आपके तर्क बेखौफ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं, मैं हरेक तर्क का जवाब दूंगा। और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। Participate in the debate. Now the debate is open on all 4 issues, but voting will be separate. Voting will be separate. Rangupal, you want to speak? Sri Satish Chandra Mishra. Please, others go to your seats. Manojji, ab apna jagah pe jao. Please. Jammu Kashmir. You can. One second. You can. Anyone can effectively counter the government. You can oppose. You can protest. You can vote against the bill also. That's what we are doing. Honorable Chairman sir, Sri Satish Chandra Mishra goes on record. Sri Satish Chandra Mishra goes on record. हमारी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए और 370 पे और उस पे जो दूसरा बिल है उस पे हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही। थैंक यू। नाउ श्री सतीश चंद्र मिश्रा हैज स्पोकन। नाउ श्री प्रोफेसर ये
ये मित्रों भाई, इस विधेयक के लिए 12:30 बजे तक किसी को संशोधन देना है तो उनके लिए मौका दिया मैंने। आई हैव ऑलरेडी अनाउंस दैट अप टू 12:30 एनी मेंबर डिजायर्स टू मूव एनी अमेंडमेंट टू एनी क्लास और सब क्लास, दे आर फ्री टू गिव इट। बिफोर दैट द डिस्कशन विल बी गोइंग ऑन, वोटिंग विल टेक प्लेस ओनली आफ्टर दिस डिस्कशन इज ओवर, वन बाय वन, नॉट टुगेदर। डिस्कशन विल बी टुगेदर बट वोटिंग विल बी सेपरेट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो आई नाउ रिक्वेस्ट थ्री। Thank you.